तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग वीडियो। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग गोरखपुर पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हो सब एक ही साथ खड़े हैं, देख लो सब एक ही साथ खड़े हैं, चार लोग, पांचों ब्लॉगर एक ही साथ। ट्रेन जा रही है तो मैं थोड़ा स्टेशन दिखा दे रहा हूँ आपका। स्टेशन इधर का कैसा है गोरखपुर का, आप लोग देख सकते हो दोस्तों इधर स्टेशन कैसा है। इस ट्रेन से हम आए थे, इसी ट्रेन से हम लोग आए थे। तो गाइस अभी तो हम लोग पहुंच चुके हैं, इसके बाद हम खाए पियेंगे, फिर उसके बाद कहीं पर निकलेंगे। अभी तो सब एक ही साथ हैं, देख सकते हो आप। तो दोस्तों मैं आपको इधर का बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये तो अंदर का था मैं जो आपको दिखा रहा था, अभी इसके अंदर का अभी और दिखाऊंगा मैं, तो अभी बाहर था थोड़ा। इधर कितनी बाइकें खड़ी होती है। मैं दोस्तों आज एक जगह से आ रहा था जहाँ से, हाँ दोस्तों बस्ती से, इतना भीड़ था बस्ती जिले में, क्या बताऊँ मैं, कैसे लाइन लगी थी जैसे बारात किसी की आई हुई थी। तो गाइस आप लोग देख सकते हो अंदर का इस प्रकार से कुछ व्यू है इधर का, देख सकते हो लुक कैसा है। आवाज़ शायद जा रही होगी मेरी या नहीं जा रही होगी, क्योंकि मैं चल रहा है इधर, देख सकते हो इधर दोस्तों बैठने वाला है, ऊपर पंखे लगे हुए हैं, वहाँ पर एलसीडी लगा हुआ है। ट्रेन कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, बंद हो गई। इधर सब एक ही साथ चल रहे हैं, इधर खाने पीने का सामान है। तो दोस्तों अभी तो हम लोग गोरखपुर पहुँच चुके हैं। दोस्तों आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए ब्लॉग वीडियो, ब्लॉग वीडियो में जरूर मजा आएगा। दोस्तों अभी तो हम ही गोरखपुर में हैं, पहले मुंह धो लेते हैं। तो दोस्तों हम जितना ही अंदर आए, आप लोग देख सकते हो अंदर भीड़ कितनी है। इधर एक फैन लगा, आप लोग दोस्तों फैन देख सकते हो, कितना बड़ा फैन लगाओ, कितना हवा चलती होगी, आपको खुद दिखा दे रहे हैं। बैक कैमरे से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा कैसा है, आप लोग देख ही सकते हो नज़ारा कैसा है। अभी तो नीचे सब फैन ही फैन लगा है, फैन के नीचे सब बैठे हैं इकट्ठे होके। अब हम लोग चलते हैं बाहर। तो दोस्तों आप लोग इधर देख सकते हो, इधर अभी पूछताछ चल रही है, जहां आपको जाना होगा उधर से पूछ सकते हो। और दोस्तों बाहर अभी कहां जाएंगे, बाहर जाने में तो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी अंदर थोड़ा घूमेंगे फिर उसके बाद चलेंगे बाहर। आपको थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं अंदर का कैसा है। अभी तो 10 या 5 मिनट तो यहीं रहेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे बाहर। देखिए भाई भारत का नंबर एक ट्रेन स्टेशन, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इधर हमारी यूपी का सबसे नंबर वन स्टेशन यही है गोरखपुर का। तो इतना प्यारे प्यारे सामान लगे हैं इधर जब खेलने वाले किसी ने भी। और दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्या मिलता है मैं आपको दिखाऊंगा, आगे ब्लॉग में क्या मिलता है। इधर तो आप अंदर देख सकते हो कैसा है, अभी दो दो लोग गाते हैं, तीन लोग मिल चुके हैं लिफ्ट में चढ़ने वाले, देख रहे हो सबका स्टैंड उठन खुल गया। अभी तो पवन लिफ्ट तो लगी हुई, आइए आपको दोस्तों इधर हम लोग लिफ्ट में भी ऊपर जाने वाले हैं, देखते हैं कौन से फ्लोर पे जाएंगे, कितना ऊंचा। अभी आप लोग देख सकते हैं लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं, अभी ये गेट बंद होगा, कौन से फ्लोर पे जाएंगे हमको पता नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं एकदम लिफ्ट के अंदर, आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टाइम लिफ्ट में बैठकर कैसा फील हो रहा है एकदम। तो ये गोरखपुर जंक्शन का लिफ्ट है, क्योंकि चार लोग हैं ऊपर जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो लिफ्ट बंद हो चुकी, मैं बाहर आ गया, मोबाइल थोड़ा लेट चालू हुआ क्योंकि वो अपना ब्लॉग बुला रहे थे, मैं अपने अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, देख सकते हो इधर का। और फिर चलने वाला है सिर्फ लिफ्ट में, हम लोग आए थे देखने के लिए, चलो। तो इधर का नज़ारा दिखा दीजिए कैसा है बाहर का। तो ये गाइस हम लोग बाहर से, मतलब अंदर से बाहर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से। इतनी ज्यादा भीड़ है, क्या बताएं, बाहर ज्यादा भीड़ है, अंदर तो कुछ भीड़ ही नहीं दिख रहा था। और इधर देख सकते हो हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा है ऊपर। तो दोस्तों अभी तो हम इसके बाहर आ चुके हैं स्टेशन के, आप लोग देख सकते हो इतनी ज़्यादा कार वार से खड़ी हैं, भीड़ है बाहर, अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा था कि भीड़ है, मालूम ही नहीं पड़ रहा था। अब लोग हम लोग बाहर आ चुके हैं, दुर्गा और कृष्णा कौन किधर चले गए पता नहीं है, फ़ोन लगाया जा रहा है। और दो लोग इधर है, तीन है, हम उनको मिलाकर तीन हो गया। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे हमको खुद नहीं पता, खाने पीने चलेंगे जहाँ जाना होगा। दोस्तों हम लोग कुछ खा पी लिए हैं, अब इसके बगल वाले गार्डन में चल रहे हैं, जो जहाँ पर झंडा नहीं दिख रहा था हमारा तिरंगा,
हिंदुस्तान का अभी उधर ही चल रहे हैं हम लोग। तो गाइस जहाँ हमारा तिरंगा लहरा रहा है उसके बगल में एक ट्रेन है, आप लोग देख सकते हो। इधर एकदम काला दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर लाइट एक भी नहीं लगा है, एक लगा है तो बहुत ही ऊंचा है, देख लो। तो दोस्तों आज क्या पता ट्रेन मिला है ना मिले, कोई भरोसा नहीं है ट्रेन मिलने का चांस इस टाइम, क्योंकि अभी तो सभी सर इधर ही खड़े हैं। मैं दवा खा लेता हूँ पहले। अभी तो हम लोग इधर से चल रहे हैं, सब एक साथ मिल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं सभी पीछे चल रहे हैं। हमारे पीछे एक और ट्रेन मिल चुका है। ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेशन है, ये प्लेटफार्म इसका सबसे बड़ा स्टेशन है भारत का। और दोस्तों अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं, दिखाते हैं फिर अंदर क्या होता है। अभी तो इधर अच्छा बढ़िया वाला पार्क है, इधर पेड़ पौधे हैं, मज़ा आ जाएगा जो इसमें रहेगा। लेकिन इसमें सांप वाप ज़्यादा रहते होंगे क्योंकि सिर्फ इसमें पेड़ पौधे हैं। और इधर से आपको दिखेगा कुछ लिखा, आप लोग देख सकते हो, उल्टा साइड दिख रहा होगा, इसमें आ नहीं पा रहा। सबसे बड़ा भारत का स्टेशन है, क्या बात है, भारत के सबसे बड़े स्टेशन पे आप लोग आए हैं, दुनिया में सबसे नाम रोशन करेंगे। इधर लिफ्ट वाले हैं, देख लो लिफ्ट पे चढ़ के कैसा लोंडा खुश हो रहा, आज पागल हो जाएगा, सिर फाड़ देगा लोंडा। अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं, इधर देख सकते हो पता नहीं कुछ क्या है, ये लोग भी बनाने में बिजी हैं, हैंड सैनिटाइज बंद है। आप लोग हम लिफ्ट पे चल के चल रहे हैं, तो अभी हम लिफ्ट पे जा रहे हैं, आप लोग को दिखाएंगे। देखिए लिफ्ट पे पैर रख के ऊपर देखना पड़ता है, नहीं तो आप गिर के मुंह फूट जाएगा तुरंत। तो दोस्तों इस पे हम लोग चल रहे हैं, चल के भी चलते हैं, आप इधर से देख सकते हो, इधर से हम लोग बैठे हैं, जिसको ज़्यादा है जिसको बैठे हो, मैं थोड़ा आपको चल के चलते हैं, देख लो उठ ही नहीं पा रहा। अभी आगे चलते पहुँच भी गए, ये बहुत तेज अभी भागेगा, जाओ तीन नंबर में। तो दोस्तों फिर से हम लोग चल रहे हैं अभी स्टेशन के पास। तो दोस्तों हम लोग ऊपर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो इधर से नीचे ट्रेनें खड़ी हैं, अंदर जा रहे हैं, जितना अंदर जाते जाएंगे उतनी ही अंदर जाएंगे क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा स्टेशन है ना, देखते हैं कितना बड़ा होगा। लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन बड़ा तो है, भारत का है सबसे बड़ा। इधर भी लिफ्ट लगा है, लिफ्ट से। तो दोस्तों कृष्णा और दुर्गा जी हरदम बिछड़ी जाते हैं और सब एक ही साथ रहते हैं, फिर मिल गए, आप लोग देख सकते हो उधर ही पीछे मिल गए, बिछड़े हुए आते ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ गुम हो जाते हैं। हम लोग चलते रहते हैं और पता नहीं वीडियो बनाने आए तो रील बनाने लगते हैं, पता नहीं। तो दोस्तों हम लोगों को ट्रेन मिल ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है ना, यहाँ पर कोई भी गुम हो सकता है। हाँ जैसे भी गुम हो गए थे ये, हम नहीं ये लोग गुम होते, हम लोग तो लिफ्टी के पास थे ना, हम लोग फिर से वापिस जा रहे क्योंकि ट्रेन ही नहीं मिल रहा। आज रात यहीं पर बिताएंगे गोरखपुर में। तो गाइस हम लोग फिर से लिफ्ट में जा रहे, बंद ना हो जाए। लिफ्ट में देख रहे हो गाइस कितने हमें पांच लोग दिख रहे हैं, एक बिक्कू है कहता अंदर, अब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, जितना नीचे जा रहा है पता नहीं चला, देख लो कौन सा बीमारी, कौन सा बीमारी। पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए, बाहर भी निकल गए, पहुंच भी गए, बाहर भी निकल गए। तो गाइस आज रात तो इधर ही बितानी पड़ेगी क्योंकि ट्रेन हम लोगों को मिल नहीं रही है जहाँ जाना है। तो दोस्तों देखते हैं, अभी तो पानी के तलाश में हैं जुटे हुए, जहाँ भी देखो उधर भी ट्रेन, इधर भी ट्रेन, इधर से लिफ्ट से आना पड़ा है। अभी पानी की खोज में है, कहाँ जिधर पानी मिल जाए उधर ही काम बन जाए। देख रहे हो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेशन है और इधर भी ट्रेनें आते जाती रहती है, आते जाती रहते हैं, इतना भीड़ ट्रेन में रहता है जो बम्बई दिल्ली जाने के लिए होती है, क्या बताऊं, आप लोग खुद ही परेशान हो जाओगे। एक बार देख लोगे तो आप लोग आए होंगे जो देखे होंगे मुंबई या दिल्ली से बिलोंग करते होंगे। तो आपको एक चीज़ दिखाना था, देख लो गाइस गोरखपुर का है, नहीं तो आपको दूसरी जगह का है। तो हे गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग अभी स्टेशन पे ही खड़े हैं, स्टेशन पे आज रात तो बितानी है चाहे जैसे, देख रहे हो सब लोग अभी तो कपड़ा ही बदल रहे हैं, नंगे हो गए एकदम से पूरा। अभी हम लोग क्या पता पूरी रात स्टेशन पे बीते ही, ये इतना बड़ा स्टेशन है दोस्तों, आप जाते रहोगे 2 से 3 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ेगा तब कहीं स्टेशन आप क्रॉस कर पाओगे। तो दोस्तों अभी तो देखते हैं क्या होता है,
ये रहा, मैं आपको थोड़ा बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। गाइज आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा है, और थोड़ा इसके आगे है, ये ट्रेन नहीं खड़ी नहीं होती तो आपको दिखा। तो दोस्तों आप पैसे देख सकते हो कितना बड़ा होगा, लगभग उतना बड़ा, उतना नहीं उससे बड़ा भी है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जैसे गोरखपुर का स्टेशन कैसा है। तो दोस्तों आप लोगों को ये गोरखपुर का स्टेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको पसंद आ रहा हो ब्लॉग वीडियो। आप लोग देख सकते हो ऐसी ट्रेनें आती रहती है हमेशा, जाती रहती है हमेशा इस स्टेशन पे, आप देखते रहोगे। देख लो जिसको जाना हो, लोग मानते ले दुबई जा सकता है, मतलब मुंबई इधर है मेरे पीछे, क्या करूं खड़ा है, कहीं जा ही नहीं रही, हम लोग भी इधर ही हैं, कहीं नहीं जा रहे। देख लो दोनों लोग का हाल, देख लो कैसा है। जिंदगी झंड हो, ट्रेन के बिना जिंदगी झंड हो चुकी, हम लोग कहाँ जाएं, अब तो इधर ही बैठना पड़ेगा ना आज रात के लिए। तो दोस्तों आपको अगर ये ब्लॉग वीडियो पसंद आओ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटा को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये क्या बताएं, गोरखपुर का स्टेशन सबसे बड़ा है लेकिन मजेदार भी है दोस्तों, बहुत ही बड़ा। तो दोस्तों और किसी नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।